हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए आया हूं मैं GTA San Andreas का एक बहुत ही बेहतरीन वाला ग्राफिक्स मॉड पैक, जो कि आपके लो एंड डिवाइस में सपोर्ट करने वाला है। गाइस, यहां अगर आपके पास फोन है 2 GB रैम या फिर 1 GB रैम का, उसके अंदर आप इस मॉड पैक को बहुत ही इजीली रन करा पाओगे। और किस तरीके से करा पाओगे वो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इस मॉड पैक के अंदर आपको ऐसी क्या क्या चीजें मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाने वाली है, और बहुत ही कम साइज के MB के अंदर आपको ये मॉड पैक मिलने वाला है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बहुत सारे रेंडर टेक्सचर्स में ऐड किए गए हैं और काफी सारी चीजें इसमें ऐड की गई है, जिसके वजह से आपको जो ये वाला मॉड पैक है बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और आप मेरे को कमेंट में बहुत ज्यादा कमेंट करोगे कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉड पैक होने वाला है, क्योंकि इस मॉड पैक के अंदर आपको ओनली ग्राफिक्स नहीं मिल रहे, आपको ग्राफिक्स के साथ में स्पोर्ट्स कार्ड्स मिल रही है, नए टेक्सचर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे गाइस, इस मॉड पैक की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें जो कलर्स है वो बहुत ही ज़्यादा आपको ग्लो मिलेंगे, और कलर्स जो है पूरी तरीके से चेंज किए गए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो इसके कॉन्ट्रास्ट है, जो बिल्कुल कलर क्वालिटी है, वो बिल्कुल बढ़ा दी गई है। और इससे ये जो मॉड पैक है बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ओपी लग रहा है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मॉड पैक लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर जो है स्पोर्ट्स कार्स देखने के लिए मिल जाएगी, तो आपको जो है अलग से स्पोर्ट्स कार्स का कोई मॉड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस मॉड पैक को डाउनलोड करके उन सभी चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हो, यानी कि स्पोर्ट्स कार्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, उसी के साथ में आपको यहाँ पे टेक्सचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, अच्छे से कलर की क्वालिटी मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इतना ही गाइस नहीं है या इसके अंदर आपको क्लो स्क्रिप्ट्स भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड उन क्लो स्क्रिप्ट के जरिए भी आप जो है बहुत सारी चीज़ें अपने गेम के अंदर कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि ये वाली जो चीज़ है ये इस मॉड पैक को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है। एंड सबसे बेहतरीन बात ये है, जो इस पूरे मॉड पैक की क्वालिटी है वो यह है कि आपको आपके डिवाइस कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर। अगर आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हाई है तो आप हाई सेटिंग पे खेलो, बहुत अच्छे से चलेगा, और अगर लो है तो लो सेटिंग पे खेलो, कोई भी आपको क्रैश या लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड छोटा सा प्रोसेस आपको करना होगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, वो सभी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ही। तो गाइज, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। उससे पहले मैं बता दूँ कि इस चैनल के अंदर बहुत सारे GTA San Andreas के मोड्स आते रहते हैं, हालांकि रेगुलर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि रेगुलर आपको पता है कि यार मोड्स में वर्क करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो रेगुलर वीडियो डाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ हर एक दिन छोड़ के हर वीक में 4 बार वीडियो ज़रूर लाऊँ या 3 बार वीडियो ज़रूर लाऊँ, या बेसिकली एक दिन छोड़कर एक दिन में वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसमें बेस्ट एडिटिंग हो, बेस्ट आपको मोड प्रोवाइड कराऊँ, और लिंक्स जो है अच्छे से वर्क करें, और साथ में आप जो है बहुत अच्छे से जो है आपको पूरी की पूरी सर्विस में प्रोवाइड करा सकूँ। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए इस चीज़ में मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पता है यही काम नहीं होता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्क होते हैं जो मुझे अपने डेली लाइफ में करने होते हैं, और वो आप सभी जानते हो क्या वर्क होते हैं वो, तो इसलिए डिले हो जाता है। बाय द वे गाइस, आज का ये जो मॉड पैक है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आई होप ये वाला जो मॉड पैक है ये सब लोग इन्जॉय करोगे। एंड एक और बात यार, आप लोग मॉड तो डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन आप लोग ना ही कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो, और ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो मेरे भाई, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को देख कर कैसे चले जाओगे, मॉड को डाउनलोड करके भी चले जाओगे, यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार हमको जो मोटिवेट फीलिंग आनी चाहिए ना, वो नहीं आती फिर उस मॉड पैक को अपलोड करने के बाद। हम लाइक मैं जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद के साथ एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं मॉड पैक अपलोड होता है मेरा, एंड मैं ये सोच के अपलोड करता हूँ कि इसमें रिस्पॉन्स अगर आता है अच्छा, इसमें व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत सारे कमेंट आएंगे और लाइक्स मिलेंगे वीडियो के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यार, मतलब हर वीडियो पे एटलीस्ट 20 likes, 22 likes, या फिर मैक्सिमम 30 likes, उससे ज़्यादा लाइक्स जाते ही नहीं है यार, और मुझे नहीं पता क्यों नहीं जाते, क्योंकि वीडियोज़ में जो है लगभग 300, 400, 200
हंड्रेड ऐसे व्यूज होते हैं उस कैटेगरी में, एटलीस्ट 50 लाइक्स तो होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं होते। अब वो भी क्यों नहीं होते, क्योंकि आप लोग नहीं करते हो। आप में से जो पुराने सब्सक्राइबर रहे हैं मेरे, वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते चैनल को, तो वो लोग तो हर वीडियो पर लाइक करते हैं। लेकिन जो रैंडम लोग होते हैं जो नए नए वीडियो पे क्लिक करते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, आपको मोड कैसा लगा वो बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, इससे ये होगा कि जब भी न्यू वीडियो आएगी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप कोई भी अच्छी वाली वीडियो मिस नहीं करोगे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना। फिलहाल गाइज अब मैं इंस्टॉलेशन की ओर चलता हूँ, उसके बाद हम एंड करेंगे। इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है तो आपको देखना कंपलसरी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। गाइज आपको फाइल डाउनलोड करनी है JTSA अल्ट्रा ग्राफिक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप आपको पासवर्ड डालना है बिफोर एक्सट्रैक्टिंग। पासवर्ड क्या होगा देख लो, पासवर्ड स्मॉल में बाय सैफरॉन, ठीक है, स्मॉल में बाय सैफरॉन, दैट्स इट, अपना ही नाम है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही पासवर्ड रहता है मोड के अंदर। फोल्डर मिल जाएगा, ओपन करो, ओपन करने के बाद में आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा, कॉमरोड रॉकस्टार गेम जो और JTSA, यहाँ पे कट करो। डिवाइस मेमोरी में जाओ, एंड्रॉयड में जाओ, उसके बाद में डेटा में जाओ, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो गाइस, जी हाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया, जी हाँ कर दिया पेस्ट। उसके बाद में फाइल्स में जाओ, फाइल्स में गए TEXDB में जाना है, उसके बाद में GTA 3 का फोल्डर आपको दिखाई दे जाएगा, उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे रीनेम दिख रहा होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग GPU के आपको अपना नेम यहाँ पे लिखना होगा, आपका कोई भी GPU हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका माली है तो आपको ETC लिखना है, एड्रेनो तो TXT लिखना है। आपको पता करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो CPU Z नाम की, उसके अंदर आपको अपना GPU दिख जाएगा। एंड नॉर्मली पता होगा आप लोगों को, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ऐसे मोड्स हैं जिनमें ये चीज़ अप्लाई होती है, तो आई थिंक आपको पता होगा। एंड यहाँ पे मेरा PVR है, पावर VR है, तो मैं इसलिए PVR लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड INT गाइस आपको ओपन करना है, GT INT भी ओपन करना है, उसके अंदर आपको रीनेम कर देना है, एंड दैट्स इट, इन दोनों के अंदर ही रीनेम करना है और आपको कहीं रीनेम नहीं करना है। सो गाइस आपको इतना ही करना है, मैं वीडियो एंड करता हूँ क्योंकि मुझे और भी वीडियोज बनानी है। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे मोड के साथ में। तब तक चैनल पे कनेक्ट कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय गाइस।